Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rural College, University of Allahabad. And today I am going to discuss a new topic under educational psychology, that is transfer of learning, mainly theories of transfer of learning. Okay, and the lecture will be in bilingual mode as usual, and many questions have been asked from this topic. Very simple and very you can say small topic, conceptual topic. Only you have to remember the main theories, their propagators and their main themes. Okay, so let's start. First of all, transfer of learning. हम सभी जानते हैं कि अधिगम का स्थानांतरण होता है. हम एक बार जो चीज़ें सीख लेते हैं उनका कहीं हम दूसरी जगह यूज़ करते हैं, कहीं एज इट इज़ यूज़ करते हैं. एक जगह की सीखने की चीज़ कहीं दूसरी जगह हमको सहायता देती है. कभी कभी बाधक भी उत्पन्न होती है, बाधा उत्पन्न होती है मतलब. तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की अगर हम बात करें तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग और कैरिंग ओवर, यानी कि हम अप्लाई करते हैं या हम ले जाते हैं क्या नॉलेज, स्किल्स, habits, attitudes, emotions or other responses from one training situation in which they were initially acquired to another training situation. मतलब एक बार सीखी हुई चीजें, जैसे हो सकता है ज्ञान, हो सकता है कौशल, हो सकता है हमारी आदतें, हो सकती हैं हमारे एटीट्यूड्स, हो सकते हैं हमारे संवेग, हो सकते हैं और दूसरी प्रतिक्रियाएं जो हम एक स्थिति में सीखते हैं उसको दूसरी स्थिति में या तो हम अप्लाई करते हैं या हम कैरी ओवर करते हैं. तो कुछ लोगों ने डेफिनेशन, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने डेफिनेशंस दी हैं, जैसे कि क्रो एंड क्रो ने बताया है कि द कैरी ओवर ऑफ हैबिट्स ऑफ थिंकिंग, फीलिंग और वर्किंग ऑफ नॉलेज और ऑफ स्किल्स फ्रॉम वन लर्निंग एरिया टू अनदर यूजुअली इज रिफर्ड टू एज द ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग. आसान है कि थिंकिंग, फीलिंग और वर्किंग ऑफ नॉलेज या स्किल्स को एक लर्निंग एरिया से दूसरे लर्निंग एरिया की ओर ले जाना ही ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग है. देखिए, कहीं ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग मिलेगा, कहीं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मिलेगा, वो एक ही चीज है, पर इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जाता है. फिर ड्रेवर ने क्या कहा? द इम्प्रूवमेंट ऑफ वन मेंटल और मोटर फंक्शन बाय सिस्टमैटिक ट्रेनिंग ऑफ अनदर एलाइड फंक्शन. ओके, ड्राइवर ने कहा कि द इम्प्रूवमेंट ऑफ वन मेंटल और मोटर फंक्शन, यानी कि हमने एक सुधार किया है कोई मेंटल फंक्शन में या मोटर फंक्शन में सिस्टमैटिक ट्रेनिंग से दूसरे किसी फंक्शन के द्वारा, तो वो भी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या ट्रेनिंग है. एच सी लिस कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स दैट एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस ऑन वन टास्क इन्फ्लुएंसेस परफॉर्मेंस ऑन सबसिक्वेंट टास्क, यानी कि एक परफॉर्मेंस में हमने जो एक्सपीरियंस हमको मिला है वो दूसरे टास्क की परफॉर्मेंस को सुधारने में हेल्प करता है. ओके, सॉरी. तो कुछ टाइप्स हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग के. जनरली हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो पढ़ते हैं, पर और भी बहुत हैं, लेकिन हमने सिर्फ नियर, फार, लिटरल ये तीन और लिए हैं. तो पॉजिटिव का क्या मतलब? क्लियर मतलब है क्या कि हमने एक जगह जो सीखा है एक सिचुएशन में वो दूसरी जगह हमको हेल्प कर रहा है. पॉजिटिव ट्रांसफर अकर्स व्हेन प्रायर लर्निंग असिस्ट्स न्यू लर्निंग, यानी कि पहले का सीखा हुआ अगर नया सीखने में हमको सहायता उत्पन्न करता है देन इट इज पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इसका उल्टा, यानी कि हमने पहले कुछ सीखा है वो दूसरे सीखने में हमको दिक्कत क्रिएट कर रहा है. ठीक है, तो नेगेटिव ट्रांसफर अकर्स व्हेन प्रायर लर्निंग हिंडर्स और इंटरफेयर्स विद न्यू लर्निंग. सॉरी, एक जैसी चीजें हैं लेकिन दोनों सिमिलर हैं, लेकिन दोनों के फंक्शनैलिटी अलग अलग हैं, तो वो नेगेटिव ट्रांसफर में आ जाएगा. लेकिन पॉजिटिव ट्रांसफर में, जैसे कि मान लीजिए आपने पियानो सीख रखा है तो आपको कंप्यूटर टाइपिंग में इजी हो जाए या कुछ इस तरीके का. फिर जीरो ट्रांसफर का मतलब एक जगह सीखा हुआ दूसरी जगह आपको कुछ नहीं कर रहा है, ना पॉजिटिवली हेल्प कर रहा है ना नेगेटिवली दिक्कत कर रहा है. तो जीरो ट्रांसफर अकर्स व्हेन प्रायर लर्निंग हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन न्यू लर्निंग. ये तो आसान है. नियर क्या है? नियर ट्रांसफर अकर्स व्हेन मेनी एलिमेंट्स ओवरलैप बिटवीन द कंडीशंस इन विच द लर्नर ऑब्टेन द नॉलेज और स्किल एंड द न्यू सिचुएशन. और फार में क्या है? फार ट्रांसफर अकर्स व्हेन द न्यू सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट इन विच लर्निंग अकर्ड. मतलब कि जो न्यू सिचुएशन है वो बिल्कुल अलग है, दूर दूर तक उसका लेना देना नहीं है किससे, जो हमने पहले सीखा है. लेकिन नियर ट्रांसफर में क्या है कि एकदम मिलता जुलता है, ओवरलैपिंग है जो हमने पहले सीखा है और जो आप सीख रहे हैं. और लिटरल में एज इट इज जो हमने आज सीखा है वो दूसरी सिचुएशन में काम आ जाएगा, जिसे कहते हैं ना लिटरल मीनिंग. लिटरली लिटरल ट्रांसफर अकर्स व्हेन परफॉर्मिंग द स्किल एग्जैक्टली एज लर्न बट इन ए न्यू सिचुएशन. बस सिचुएशन न्यू है बल्कि बिल्कुल वो एज इट इज हमें काम आ रही है. तो ये तो टाइप्स हो गए. अब थेरीज, देखिए कुछ ही थेरीज हैं, वही पूछी जानी है, तो ऑब्जेक्टिव में हमको ये पता होना चाहिए कि थेरी क्या है, किसने दी है, थ्योरी में क्या कहा गया है. और सब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाए कि डिस्कस इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, तो आपको सारी लिखनी पड़ेंगी थोड़ी थोड़ी सबके बारे में.
ठीक है, तो दोनों ही दशाओं में हमको पता होना चाहिए. तो थियरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, ये सबसे पुरानी थियरी है. दिस थियरी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द 20th सेंचुरी. इट इज फिलोसॉफिकल इन नेचर. द माइंड इज द सेंट्रल पोजीशन व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल फैकल्टीज. देखिए ये दूसरा पीपीटी खुल गया, मैंने नए वाले में थोड़े से करेक्शन कर दिए थे. जैसे ये फैकल्टीज में ये ITIES हो गया ना, ये आई नहीं होना चाहिए. उसी तरह से उधर ट्रेनिंग की स्पेलिंग गलत थी, तो आप इसको देख लीजिएगा. दिस थियरी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में आई. फिलोसॉफिकल इसका नेचर है और ये कह रही है कि माइंड जो है वो सेंट्रल पोजीशन में है और वो बहुत सारी फैकल्टीज से मिलकर बना हुआ है. आपको याद होगा कि इंटेलिजेंस की जब पहली थ्योरी की बात हो रही थी वो भी यही बात कर रहे थे. दीज फैकल्टीज आर टू बी ट्रेन्ड थ्रू मस्कुलर एंड फिजिकल ट्रेनिंग. ये जो फैकल्टीज है इनकी ट्रेनिंग, इनको ट्रेनिंग दी जा सकती है मस्कुलर और फिजिकल. दिस थियरी इज द आउटकम ऑफ द फैकल्टी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी विच बिलीव दैट द माइंड इज कम्पोज ऑफ ए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फैकल्टीज. ये कह रहे हैं कि माइंड जो है वो इंडिपेंडेंट फैकल्टीज से मिलकर बना है. मेमरी, जैसे मेमरी, अटेंशन, विल, इमेजिनेशन, रीजनिंग एंड टेम्परामेंट. यही बात इंटेलिजेंस की भी पहली थियरी में कही जा रही थी. बाद में कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि एक चीज दूसरे से बिल्कुल अलग है. ये कहते हैं कि बहुत सारी फैकल्टीज है और इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से. तो ये थियरी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के लिए क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ए पर्टिकुलर फैकल्टी वर्क्स इन एवरी सिचुएशन. वो कह रहे हैं कि एक फैकल्टी जो है वो हर सिचुएशन में काम करेगी. इफ ए पर्सन पजेस स्ट्रॉन्ग मेमोरी ही कैन यूज इट इन एनी सिचुएशन. अगर किसी व्यक्ति के पास जो है वो उसकी स्मृति एकदम स्ट्रांग है तो क्या करेगा, हर सिचुएशन में उसको यूज करेगा. ही विल बी एबल टू रिमेंबर एनीथिंग. वो कुछ भी अच्छे से याद कर सकता है. इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट देयर इज नो फैकल्टी दैट इज यूज इन डिफरेंट सिचुएशंस. लेकिन बाद में प्रयोगों के द्वारा ये पाया गया कि ऐसी कोई फैकल्टी नहीं है जो कि डिफरेंट सिचुएशंस में जो यूज की जा सकी. जैसे कि टेक मेमोरी, जैसे मान लीजिए मेमोरी का एग्जाम्पल है, तो मेमोरीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ये तो बाद में पता चला ना कि मेमोरी विजुअल मेमोरी हो सकती है, ऑडिटरी हो सकती है, इमीडिएट हो सकती है, रोट हो सकती है. तो कैसे आप कह सकते हैं कि विजुअल मेमोरी भी बढ़िया होगी, ऑडिटरी भी बढ़िया होगी, इमीडिएट भी बढ़िया होगी, रोट भी बढ़िया होगी? नहीं हो सकता. ट्रेनिंग इन विजुअल मेमोरी डज नॉट इफेक्ट ऑडिटरी मेमोरी, है ना. ऐसा है ना कि विजुअल मेमोरी तो ऑडिटरी मेमोरी से बिल्कुल अलग है, इसलिए इस थ्योरी के बारे में अब बात नहीं की जाती है. लेकिन चूंकि सबसे पहली थ्योरी है, पुरानी थ्योरी है, इसलिए इसको अभी भी पढ़ा पढ़ाया जाता है. बट ये अब वर्केबल नहीं है, ट्रेनेबल नहीं है, इसको नहीं फॉलो किया जाता है. तो ये क्या कह रही है कि माइंड जो है वो डिफरेंट फैकल्टी से मिलकर बना है, सभी इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, और एक फैकल्टी अगर एक सिचुएशन में बढ़िया करी तो सब सिचुएशन में बढ़िया करेगी, मतलब उसका ट्रांसफर हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं पाया गया प्रयोगों में, असफल सिद्ध हो गया. थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, ये थॉर्नडाइक ने दी है. नाम से ही समझ में आ रहा है कि समान तत्वों की थ्योरी. मतलब वो कह रहे हैं कि दो सिचुएशन अगर एक जैसी है, उनमें एक जैसे तत्व हैं, समान तत्व हैं, आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं, तो ट्रांसफर इजीली हो जाता है. ईएल थॉर्नडाइक डेवलप दिस थ्योरी. इट गोज फ्रॉम वन लर्निंग सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन. टू आइडेंटिकल फैक्टर्स और एक्टिविटीज और कॉमन फैक्टर्स ट्रांसफर टू द टोस्ट टोटल सिचुएशन वेयर मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और टोटल लर्निंग कैन बी टेक प्लेस. इट गोज फ्रॉम मैटर टू माइंड. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये कह रहे हैं ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर टू द एक्सटेंट दैट देयर आर कॉमन और आइडेंटिकल एलिमेंट्स इन द टू सिचुएशंस. ये कह रहे हैं उस सीमा तक एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में ट्रांसफर होता है जब उसमें ज्यादा से ज्यादा कॉमन या एक जैसे तत्व पाए जाते हैं. रीजनिंग एबिलिटी का अगर हम कॉमन एग्जाम्पल ले लें तो रीजनिंग एबिलिटी ज्योमेट्री में भी होती है और फिजिक्स में भी होती है. तो ये कह रहे हैं कि अगर हमने ज्योमेट्री हमको बढ़िया से आती है तो हमको फिजिक्स भी अच्छे से आ जाएगी या फिजिक्स भी हमको आसान लगने लगेगी. हेंस ट्रांसफर कैन टेक्स प्लेस. क्यों? क्योंकि दोनों जगह आइडेंटिकल एलिमेंट क्या है? रीजनिंग एबिलिटी. मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो बिलीव दैट मेंटल फंक्शंस लाइक परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी एंड रीजनिंग आर नॉट सेपरेट एंटिटीज. हम लोग भी ये मानते हैं कि ये सब सेपरेट नहीं है, कहीं ना कहीं एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, बट इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द टोटल फंक्शनिंग ऑफ द माइंड. हेंस लर्नड रिस्पॉन्स इन वन सिचुएशन मे बेनिफिट द लर्नर इन अनदर सिचुएशन इफ देयर आर कॉमन एलिमेंट्स इन इट. तो वो कहते हैं कि लर्नर ने अगर एक सिचुएशन में कुछ सीख लिया है, कोई रिस्पॉन्स दिया है, तो दूसरी अगर उसको सिमिलर सिचुएशन मिल रही है, सिमिलर एलिमेंट्स मिल रहे हैं, आइडेंटिकल एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो ट्रांसफर क्या होगा? पॉजिटिव होगा. ओके, लेटर वुडवर्थ सब्स्टिट्यूटेड द वर्ड एलिमेंट बाय कॉम्पोनेंट. बाद में वुडवर्थ ने इसी थियरी में एलिमेंट की जगह कॉम्पोनेंट शब्द कर दिया. मतलब उन्होंने कह दिया कि थियरी ऑफ आइडेंटिकल कॉम्पोनेंट है. नेक्स्ट थियरी, थियरी ऑफ जनरलाइजेशन. थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन सी जुड या चार्ल्स जुड देते हैं, और ये थ्योरी जो है वो आइडेंटिकल एलिमेंट्स का ही एक्सटेंशन है. कैसे? वहां कहा जा रहा था कि कॉमन एलिमेंट्स का ट्रांसफर है, यहाँ ये कह रहे हैं कॉमन रूल्स का क्या है, ट्रांसफर है. देखिए, दिस थ्योरी इज डेवलप्ड बाय सी जुड, जो भी आप इसको बोलना चाहें नाम है. इन दिस थ्योरी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टेक्स प्लेस प्राइमरली थ्रू जनरलाइजेशन. नाम ही जनरलाइजेशन है, यानी कि सामान्यीकरण का सिद्धांत. ये कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ ट्रांसफर डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट टू विच एक्सपीरियंसेस इन द फर्स्ट सिचुएशन आर अंडरस्टूड एंड कंसोलिडेटेड इनटू जनरलाइजेशन. रूल का ट्रांसफर कह रहे हैं ना, एलिमेंट की जगह
कह रहे हैं कि कॉमन रूल है, तो वो कहते हैं कि एक सिचुएशन में अगर व्यक्ति ने इस तरीके का अनुभव ले लिया है कि उसको रूल समझ में आ गया है, जनरलाइजेशन, उसको बिल्कुल सिचुएशन समझ में आ गई, तो क्या होगा, वो दूसरी सिचुएशन में जनरलाइज कर देगा उसको। बेटर ट्रांसफर कैन बी पॉसिबल व्हेन वन कैन अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल। वो कह रहे हैं कि बेहतर ट्रांसफर हो सकता है यदि व्यक्ति को सिद्धांत समझ में आ गया है। तो ये क्या है, इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। तो कुछ और नहीं बल्कि आइडेंटिकल एलिमेंट्स की थ्योरी का ही ये विस्तार है। ही एक्सेप्ट, ही मतलब सीजर, accepts the common element theory but gives the further explanation that transfer takes place because the pupil learns to acquire some broad principles or generalizations. ये थॉर्नडाइक की थ्योरी को मान रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं इसलिए नहीं व्यक्ति सीखता है कि कॉमन एलिमेंट है, बल्कि इसलिए सीखता है कि उसने वो प्रिंसिपल सीख लिया और उसी प्रिंसिपल को दूसरी सिचुएशन में जनरलाइज कर देता है। यही लिखा गया है इसमें। और दिस थेरी इज इन कॉन्सोनेंस विद द जेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, और जेस्टाल्टियंस के भी ये कॉन्सोनेंस में है। कैसे, जेस्टाल्टिस्ट क्या कहते हैं कि लर्निंग ऑफ ए मीनिंगफुल कॉन्फ़िगरेशन प्रिज्यूम्स ए काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट मॉडिफाइज द ऑर्गेनिज्म। यानी कि जेस्टाल्टवादी भी ये बात को मानते हैं कि जो व्यक्ति है वो कॉन्फिगरेशन को परसीव करता है, ऑर्गेनाइजेशन को परसीव करता है। होल इज ग्रेटर देन दी addition of some of its parts, है ना? The organization leads to the necessity of generalizations. Virtually speaking, the theory of generalization is only an extension of the theory of identical components. यानी कि identical components का extension हमको मिल गया generalization में। Identical components में कहा जा रहा था कि transfer इसलिए हो रहा है क्योंकि common elements है। Generalization में कहा जा रहा है कि transfer इसलिए हो रहा है because principle समझ लिया गया है और वही principle generalize किया जा रहा है। यही लिखा है कि the later talks of common elements and these are substituted by the word common rules. तो common elements, Woodworth इसको common component कहते हैं, Judd इसको common rule कहते हैं। Okay, next theory. Theory of ideals. ये कहते हैं ideals हैं। It was propounded by W.C. Bagley. ये कहते हैं when ideas are stressed, then the transfer of learning can be take place. वो कह रहे हैं कि ideas जब stress किए जाते हैं, तो हम theory transfer of learning होता है। जैसे कि honesty, truthfulness, love, etc. can be transferred to the to this theory. W.C. Bagley goes a step further from the theory of generalization. मतलब identical element का extension generalization में मिला, generalization का extension जो है वो theory of ideals में है। ये कह रहे हैं कि he emphasizes that ideals are generalized attitudes at the basis of all transfer. वो कह रहे हैं कि ideals हैं जो कि हर transfer के पीछे का मूलभूत आधार है। Ideals are rather deeper than generalizations, है ना? यानी कि जो कहीं ideas लिखा हुआ, कहीं ideals लिखा हुआ है, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा। आर रादर डीपर देन जनरलाइजेशंस एंड जनरलाइज्ड एटीट्यूड्स। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट आइडियल्स वंस अडॉप्टेड एंड अडॉप्टेड सीरियसली आर एप्लीकेबल टू ऑल सिचुएशंस। द ट्रूथ सीकिंग आइडियल, द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, द लव फॉर विजडम एंड द थर्स्ट फॉर डिस्कवरी एंड ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर, वेदर इट इज साइंस और फिलोसफी और हिस्ट्री। ओके, तो कह रहे हैं कि कॉमन एलिमेंट थॉर्नडाइक ने कहा, वुडवर्थ ने कॉमन कंपोनेंट कहा, जुड ने कॉमन रूल कहा, और बागले कह रहे हैं कॉमन आइडियल है जो कि हर ट्रांसफर के पीछे का बेसिक है। मतलब क्या है, मतलब सिर्फ इतना है कि ट्रांसफर होता है, ये नो डाउट, ये एक्सेप्टेबल फैक्ट है। बस जो साइकोलॉजिस्ट है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक चीज, एक सिचुएशन में सीखी गई जो लर्निंग है उसको हम दूसरी सिचुएशन तक ले जाते हैं। सिर्फ उसके पीछे के वो लॉजिक ढूंढ रहे हैं, और हर बार हर व्यक्ति, हर मनोवैज्ञानिक एक अलग लॉजिक दे रहा है हमको। ओके, थ्योरी ऑफ ट्रांसपोजिशन, इट इज एडवोकेटेड बाई जेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ये जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट्स ने दी है। ये कह रहे हैं कि ट्रांसफर स्टार्ट्स विद अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट एंड परसेप्शंस ऑफ सिमिलैरिटी बाई द लर्नर। यानी कि जो लर्नर है उसने समझ लिया फैक्ट को और जो परसीव किया सिमिलैरिटी दो सिचुएशन के बीच में। इट इज नोन एज ए पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप। यानी कि रिलेशनशिप का पैटर्न क्या है, इस पे ये डिपेंडेंट होती है। और इट इज नॉट द स्पेसिफिक स्किल्स और फैक्ट्स और इवन अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स विच आर इंपॉर्टेंट। ये कह रहे हैं कि स्किल्स जरूरी नहीं है, फैक्ट जरूरी नहीं है, प्रिंसिपल भी नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर के लिए। वो कह रहे हैं बट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन फैक्ट्स, प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल्स इज द रियल बेसिस ऑफ ट्रांसफर। ये कह रहे हैं कि फैक्ट, प्रिंसिपल या प्रोसेस अपने आप में कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो प्रिंसिपल्स हमने कई पढ़े, जो हमने कई फैक्ट्स जाने, जो हमने प्रोसेसेस पढ़ी, उनके बीच का क्या रिलेशनशिप है, उसकी समझ जो है वो जरूरी है ट्रांसफर के लिए, वो मूलभूत आधार है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का। तो जेस्टाल्ट साइकोलॉजी एम्फसाइजेस द टोटल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, सो द ट्रांसफर इज डिपेंडेंट अपॉन द होल पार्ट रिलेशंस बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू सिचुएशंस। इट इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ जनरलाइजेशन दैट इज द बेसिस ऑफ ट्रांसफर बट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स, प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल्स, हेंस द नीड फॉर ट्रांसपोजिशन। इसीलिए इसको ट्रांसपोजिशन का नाम दिया गया है। ओके, तो यही थ्योरी आपसे पूछी जानी है, मेंटल फैकल्टी, मेंटल डिसिप्लिन, आइडेंटिकल एलिमेंट्स, थ्योरी ऑफ क्या,
जनरलाइजेशन, फिर थ्योरी ऑफ आइडियल्स और थ्योरी ऑफ ट्रांसपोजिशन, बस इतना ही। लर्निंग इन वन सिचुएशन इज केपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन लर्निंग इन अनदर सिचुएशन, यानी कि एक सिचुएशन में सीखी गई चीज पॉजिटिवली या नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकती है दूसरी जगह, दूसरी सिचुएशन में सीखने के लिए। ये इसका एक एजुकेशनल इंप्लीकेशन है, मतलब टीचर को पता होना चाहिए। एफर्ट शुड बी मेड टू सीक पॉजिटिव ट्रांसफर, हमें ये एफर्ट करना चाहिए कि हम पॉजिटिवली हेल्प कर सकें एक सिचुएशन में सीखी गई चीज को दूसरी जगह सीखने में, दूसरी एक जगह सीखा हुआ स्किल को या नॉलेज को या एटीट्यूड को। फिर फॉर सीकिंग मैक्सिमम पॉजिटिव ट्रांसफर, अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमली पॉजिटिव ट्रांसफर हो जाए तो क्या करना होगा, द टीचर्स व्हाइल टीचिंग एंड लर्नर्स व्हाइल लर्निंग, मतलब शिक्षक को पढ़ाते समय और लर्नर को पढ़ते समय शुड ट्राई टू ड्रॉ प्रॉपर लेसन्स, हमको पॉइंट्स निकालने होंगे, आइडेंटिकल एलिमेंट्स निकालने होंगे, सिमिलैरिटी निकालनी होगी, प्रिंसिपल समझने होंगे, उनके फैक्ट समझने होंगे, उनके बीच का इंटर रिलेशनशिप समझना होगा। तो हम क्या क्या ढूंढे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसोसिएशन, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी, ये बताया ना कि संबंध क्या है, कैसे चीजें एक दूसरे से सिमिलर है, कैसे एक दूसरे से डिसिमिलर है, तो हम सीख जाएंगे। बिल्डिंग जनरलाइजेशन एंड मेकिंग देयर यूज इन फर्दर लर्निंग, हम जनरलाइज करने की क्षमता बनाएं, उसको सीखेंगे कैसे दूसरे सिचुएशन में हम उसको यूज कर सकते हैं। डेवलपिंग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट फॉर यूजिंग देम इन फर्दर लर्निंग, डेवलपिंग ए प्रॉपर एपरसेप्टिव मास, ये कहते हैं ना कि हर्बर्ट की थ्योरी क्या कहती है कि एपरसेप्टिव मास होना चाहिए, यानी कि हम सबसम्पशन क्या थ्योरी क्या कहती है ऑस्बेल की, कि पहले से हमारे दिमाग में कुछ एपरसेप्टिव मास होना चाहिए, कुछ होना चाहिए जिस पर हम नया लर्निंग को रख सके, यानी कि वैक्यूम में जाके कहीं कुछ नहीं है दिमाग में तो नहीं कुछ समझ में आने वाला है। ओके, पहले से कुछ ना कुछ उसके बारे में आपको ज्ञान आपके पास होना चाहिए। डेवलपिंग प्रॉपर आइडियल्स एंड इंबाइबिंग देम टू परफॉर्म थिंग्स इन फ्यूचर। ओके, थैंक यू। एंड इन दिस मैनर आई हैव कंप्लीटेड ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अंडर एजुकेशनल साइकोलॉजी। आई हैव कंप्लीटेड लर्निंग थ्योरीज, आई हैव कंप्लीटेड इंटेलिजेंस, आई हैव कंप्लीटेड पर्सनैलिटी, आई हैव कंप्लीटेड लैंग्वेज डेवलपमेंट, आई हैव कंप्लीटेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आई हैव कंप्लीटेड इमोशनल डेवलपमेंट, मतलब लगभग शायद ही कोई ऐसा टॉपिक बचा है जिसको मैंने मेनली ओवरऑल कवर नहीं किया है। अब जो टॉपिक्स एजुकेशनल साइकोलॉजी में सिर्फ वो बनेंगे जो कि कहीं छूट गए हैं या कहीं मुझे लगेगा कि ये भी जरूरी था और मैंने बताया नहीं। तो आप लोग अपना साइकोलॉजी का पोर्शन, एजुकेशनल साइकोलॉजी का पोर्शन तैयार कर सकते हैं। आई हैव डन माई जॉब। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन एंड जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप 2। ओके, डन फ्रॉम माई साइड।